गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए यूनिट नंबर थर्ड का आपका चैप्टर नंबर फाइव साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट का जो टॉपिक है वो है आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए भाई, जैसे टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हो, टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा, टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे x plus y equals to 2 and x minus y equals to 5, यू सॉल्व दिस इक्वेशन एडिंग बोथ 2x equals to 7, x equals to 7 by 2। सिमिलरली यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी टॉपिक ऐसा ही है आपका सेम। इसमें भी आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे और x और y दोनों मिलकर ही दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। अब देखिए, पहले तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखिए भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन, इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन, इन दिस केस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी। अब देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने देख लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने देख लिया, अब बात करेंगे, ऑर्डिनरी हो चुकी है आपकी, पार्शियल हो चुकी है, फिर साइमल्टेनियस क्या है। अभी तक हमने यहाँ पे जो बात की है केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जगह हमने जो बात की है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तब, तो देखिए भाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वन हो। यही वाली बात है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वन है तभी तो ऑर्डिनरी आएगी। व्हाट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, डिपेंडेंट वेरिएबल की नंबर जो है वो वन से ग्रेटर है, तो उस केस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, साइमल्टेनियस। इसी प्रकार यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन से ग्रेटर हो जाए
तब भी ये कैसी हो जाएगी, साइमल्टेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर बढ़ जाते हैं, तो अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके बढ़ जाते हैं, तो उस केस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है भाई, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अभी तक आप वन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हो, टू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हो, थ्री एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हो और फोर को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हो। जब आप चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो, तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ तो हम टेंथ क्लास का मेथड लगाएंगे और शेष हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की विधियां हैं, मेथड्स हैं, उन मेथड्स के आधार पे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए तो सबसे पहले लिख लीजिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन लिख लीजिए भाई, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट number of independent variable is 1 and number of dependent variable is more than 1 नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके कितने हो, मोर देन वन, वन से अधिक हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वन ही होगा क्योंकि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू मोर देन वन एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन, इन दिस केस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे, लिख लीजिए भाई। अब देखिए साइमल्टेनियस 5.1 एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज है, आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। अब वो कैसे सॉल्व कर पाओगे, दोनों मेथड हम आपको बता देंगे भाई अभी। तो दो मेथड है, दोनों मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए भाई, तो केवल कुछ नहीं है इसमें, तो एग्जाम्पल ही करने है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, दोनों मिलकर ही आपके दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से लिख लिया होगा आपने सभी ने, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व डीएक्स ओवर डी टी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है एंड सेकेंड इक्वेशन आर गिवन डी वाई ओवर डी टी माइनस 2x माइनस 5 बाई
फाइव बाई इक्व टू जीरो, टू एक्स माइनस फाइव बाई इक्व टू जीरो। तो देखिए डिफरेंशिएशन एज विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन एज विद रेस्पेक्ट टू टी, वार एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू वन, इन दिस केस दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, यू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो देखिए given differential equation is, इसे लिख सकते हो आप d माइनस सेवन एक्स प्लस का वाई इक्वल टू जीरो एंड माइनस का टू एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई d माइनस फाइव बाई इक्वल टू जीरो, वेयर d इक्वल टू है आपका d ओवर dt के। x के कोएफिशिएंट सेपरेट किए, y के कोएफिशिएंट सेपरेट किए, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y बोथ आर सेपरेटेड, तो x वाले कोएफिशिएंट आपने सेपरेट किए, y वाले कोएफिशिएंट आपने सेपरेट किए। अब सेपरेट करने के बाद अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, और इसी प्रकार आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू निकाल पाओगे। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस, y वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, तो y वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, d माइनस फाइव से, लेफ्ट से, d माइनस फाइव आपका लेफ्ट में, d डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है नॉट सिंबल, ठीक है। तो लेफ्ट से आप d माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे और सबस्ट्रैक्टिंग बोथ, सबस्ट्रैक्टिंग बोथ, मल्टीप्लाई y d माइनस फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, देन। तो देखिए भाई d माइनस सेवन था आपका, किससे मल्टीप्लाई किया आपने, d माइनस फाइव से x, इसमें d माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया है, इसको सबस्टेट किया है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस से इसको सबस्टेट कर रहे होते हो जाएगा प्लस का टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है कम्प्लीटली किस में बन चुकी है आपकी, केवल और केवल x में बन चुकी है। इसे सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर ट्वेल्व डी थर्टी फाइव प्लस का टू एक्स एज ए कॉमन इक्वल टू जीरो। प्लस का थर्टी सेवन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से आप डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल पाए, एक्स की वैल्यू निकाल पाए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, देखो दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको, ये जो इक्वेशन निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी कितने, डी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व डी प्लस थर्टी फाइव प्लस का सॉरी थर्टी फाइव प्लस टू यानी कि थर्टी सेवन एक्स इक्व टू जीरो। कैसी इक्वेशन है भैया ये जो इक्वेशन है आपकी, कैसी इक्वेशन है बताइए भाई, ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी चैप्टर नंबर थर्ड सीएफ निकलेगा इसका, केवल क्या निकलेगा सीएफ, ठीक है। विच इज कैसी है भाई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट,
विच इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, और जिसे सॉल्व करना आप जानते ही हो भाई। फॉर दिस यू फाइंड फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, यू फाइंड फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन auxiliary equation of third h d replaced by m 12 m plus 37 equals to 0 by Sridhar Acharya method you find the value of m equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac 4ac 137 अपॉन 2a। m की वैल्यूज निकल के आएंगी आपके पास कितनी भाई, 12 प्लस माइनस 144 28, 4 इंटू 7 28, 12 इंटू 2 4 4 और 1 5, ठीक है भाई। ये जो टर्म बचेगी फिर आपकी बचेगी, सॉरी 148 आएगा, 4 148, ये कितना बचेगा यहाँ से भाई बताइए, अपॉन 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो देखिए भाई इसे सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू जो निकल के आएंगी m इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस माइनस का 4 आयोटा अपॉन 2, तो ये बचेगा 6 प्लस माइनस 2 आयोटा, 6 प्लस माइनस सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस माइनस आयोटा। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज एक्स इक्वल्स टू, ये डीएक्स ओवर डीटी था, तो एक्स इक्वल्स टू सी एफ, सी एफ निकलेगा, अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू 1 है, ए की पावर 60 एक्सपोनेंशियल 60 सी 1 कॉस बीटा टी बीटा 1 C2 साइन, अब आपके पास x की वैल्यू तो निकल के आ गई भाई, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x का मान आपको पता चल चुका है, अब आपको केवल y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का मान कहाँ रख दोगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, और C1 और C2 के टर्म में ही आपको y का मान निकालना है। दो मेथड हैं, दोनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड सेकंड से पहले हम फर्स्ट मेथड करा रहे हैं आपको। तो देखिए भाई, तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, तो देखिए भाई एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है आपके पास, देखिए आपने जो इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन ये थी डी एक्स माइनस 7x प्लस के y इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दें और डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल पाओगे, y की वैल्यू निकाल पाओगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो आपको डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है सबसे पहले, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ x, एक बार तो इसका डेरिवेटिव होगा, e की पावर 60 का डेरिवेटिव होगा e की पावर 60 इंटू 6, और c1 cos t c2 sin t एज ए कॉन्स्टेंट, ये क्या रहेगा भाई कॉन्स्टेंट। सेकेंड केस में e की पावर 6 सॉरी
एक्सपोनेंशियल 60 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कीजिए भाई। C1 cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin t, sin t का होगा cos t, e की पावर 60 कॉमन, cos t का कोएफिशिएंट बताइए कितना आ रहा है, 6C1, और cos t का आ रहा है यहाँ से कितना, C2 cos t। साइन टी का कोएफिशिएंट लिखिए, साइन टी का आ रहा 6C2 माइनस का C1 साइन टी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकल के आ गया, डायरेक्ट तो ऐसे ही करना, ज़्यादा से बाई की वैल्यू निकल के आ जाए आपके पास, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, बाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है, ये वैल्यू आप रिप्लेस करोगे कहाँ पर, रिप्लेस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अभी हमने यहाँ पे लिख के बताई थी आपको, ये इक्वेशन थी dx माइनस 7x, dx माइनस 7x प्लस के y इक्वल टू 0। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड dx इन इक्वेशन फर्स्ट, देन तो रिप्लेस कीजिए भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है तो डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर 60, 6C1 प्लस का C2 cos t प्लस 6C2 माइनस C1 sin t माइनस का 7x, माइनस का 7x वैल्यू ऑफ x e की पावर 60, C1 cos t, C1 cos t, C2 sin t, C1 cos t, C2 sin t, प्लस का y इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई, इनके आगे माइनस लगा देंगे, y को डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई। तो y की वैल्यू फाइंड करोगे आप, y फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन नंबर 4 डेरिवेटिव को। हाँ जी, क्या आपको डेरिवेटिव समझ नहीं आया, बोलिए, डेरिवेटिव समझाना है आपको। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये भी थी, अगर मैं एक्स का मान रख दूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मान रख दूँ, तो यहाँ से किसका मान निकाल पाओगे आप आसानी से, वाई का मान निकाल पाओगे। तो एक्स आपके पास ये आ चुका था निकल के, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना था, तो हमने क्या किया, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, दो मल्टीप्लाई है भाई, यू इंटू वी की फॉर्म में है, एक बार इसका डेरिवेटिव होगा ये कांस्टेंट रहेगा, और एक बार इसका डेरिवेटिव होगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया ई की पावर 60 का, इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आया e की पावर 60, और अंदर का हो गया आपका 6, ये कांस्टेंट छोड़ा हमने, C1 cos t, C2 sin t। सेकंड केस में प्लस लगाया, e की पावर 60 हमने कांस्टेंट छोड़ा, इसका डेरिवेटिव किया cos t का माइनस का sin t, और sin t का किया हमने cos t, e की पावर 60 हम कॉमन निकाल के लाए, e की पावर 60 हम कॉमन निकाल के लाए, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब देखिए e की पावर 60 आप कॉमन निकाल के लाए, यहाँ से 6C1 cos t का कोएफिशिएंट, और cos t का कोएफिशिएंट है यहाँ से केवल C2 cos t, sin t का कोएफिशिएंट है यहाँ से 6C2, और यहाँ से sin t का कोएफिशिएंट है माइनस का C1
साइन की, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ चुका है और एक्स की वैल्यू आ चुकी है। मैम बंद कर देंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद अब आप बाई की वैल्यू निकालोगे। तो अभी आप जस्ट एक मिनट बाद क्लास ज्वाइन करोगे, रिजॉइन, ठीक है, तभी हम